जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मुंबई में पधारे हुए हैं, उनसे ही जाना चाहेंगे। गुरु जी क्या कहेंगे, आप मुंबई में आपका आगमन हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आपको मिलने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। सब लोग मेरे हैं, मुझे मिल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। गुरु जी जैसा कि आपने 2024 की कई भविष्यवाणियां की हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी होंगे, उसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी भी कह रहा हूँ इस बार भी होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ही विल रिपीट। आपने ऐसी कई भविष्यवाणियां की है, उनसे काफी सारे काम अभी बचे हुए हैं जो पूरा करवाने हैं, तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो मोदी जी से भी पूरा करवाने हैं? अभी गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर बनाना है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी है, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाना है, समान नागरिक संहिता लानी है, जनसंख्या नियंत्रण भी समान होना चाहिए, ये सब कार्य है, और भारत को विकसित देखना है। गुरु जी कहें जहाँ पे अगर बात की जाए तो हिंदी राष्ट्र की बात आ रही है और इंडिया को भारत करने की बात आ रही है, उसको लेकर ये तो बहुत देखे, कभी भी एक देश के दो नाम नहीं होते। अमेरिका के दो नाम नहीं है, चीन के दो नाम, दुर्भाग्य हमारा ही है कि भारत और इंडिया दो दो नाम कर दिए, छोड़ दिया, इंडिया तो हटे जाना चाहिए। गुरु जी जिस तरह से आपने एक भविष्यवाणी की थी कि चंद्रयान इस बार जो है सक्षम तरह से लैंड करेगा, तो इस बार सूर्यान भी गया हुआ है, वह भी किस तरह से लैंड करेगा? बहुत क्षमतापूर्ण परिस्थिति में लैंड करेगा। तुम्ही जर बघितलं तर हे होते राम भद्राचार्य महाराज, त्यांनी काही भविष्यवाणी केलेली आहे की ह्यावेळी 2024 मध्ये नरेंद्र मोदी जे पीएम परत होणार आहे आणि त्यांच्याकडून बरंच कसं काम आहे ते त्यांच्या पूर्ण करायचे आहे। तर नरेश आनंद पांडे, TV9 मुंबई।